फ्रेंड्स, मेरा नाम रितेश शर्मा है। मेरा चैनल डीके टेक्निकल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मोबाइल से पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बनाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे, उसे दबा दें और साथ ही घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप सबके पास पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से पिकू ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपने प्ले स्टोर से पिकू ऐप, जो कि मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, सिंपल सा इस पर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ नहीं करना है, इस पर प्लस वाले आइकन पे आपको टैप करना है और कट आउट इस पर क्लिक करते ही अब कोई सा भी फ़ोटो, जैसे मैं ये फ़ोटो ले रहा हूँ, इसका मैं बैकग्राउंड पहले चेंज कर लेता हूँ। बैकग्राउंड चेंज करने के बाद आप चाहें तो इसे इरेज करके जहाँ थोड़ा बहुत कट करना है वहाँ कट कर सकते हैं। मेरा फ़ोटो ठीक है, चलिए मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ऐसा ओपन होगा, तो इसका बैकग्राउंड बदलने के लिए आपको क्या करना है, गैलरी में आना है। गैलरी में आने के बाद डाउनलोड में आना है। मैंने पहले से ही इसका बैकग्राउंड सेव करके रखा हूँ, तो आप लोग गूगल से ऐसा बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पे आने के बाद सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सेव वाले बटन पर क्लिक करते ही आपका फ़ोटो सेव हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना, सीधे आपको बैक आ जाना है अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। चलिए तो बैक आने के बाद आपको एक और ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका नाम है पासपोर्ट फ़ोटो मेकर, जो कि आप लोग प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा, इस पर न्यू फ़ोटो पर क्लिक करते ही इंडिया पासपोर्ट 450 DPI। ओके, गैलरी में आएंगे। गैलरी में आने के बाद फ़ोटो चूज़ करेंगे। फ़ोटो चूज करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्ट एडिटिंग इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको एडजस्टमेंट है, यहाँ से आप फ़ोटो को एडजस्ट भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो फ़ोटो को ऐसे ही रहने देंगे, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में आपको साइज देख लेना है, कितना साइज चाहिए आपके फ़ोटो को, जितना चाहिए उतना आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको इतना पर रख देता हूँ, आप लोग अपने से अच्छा से कीजिएगा। मैं वीडियो बनाने के लिए थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। इसको क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद आपको ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, एक्सपोज, यहाँ से आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मुझे कुछ नहीं करना, अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका फ़ोटो रेडी है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद ऑप्शन आएगा बैकग्राउंड रिमूव, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको स्किप करना है। स्किप करने के बाद आपको बॉर्डर लगाना है अपने फ़ोटो को, तो यहाँ पे ऐड एन आउटलाइन, इस पर आप क्लिक करेंगे। आप जितना चाहें उतना बॉर्डर रख सकते हैं, तो मैं इतना रख रहा हूँ, डन। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड मल्टीपल कॉपीज़, आपको जितना कॉपीज़ चाहिए। मैं A4 साइज में मैं 6 कॉपी निकालता हूँ, तो मैं 6 कॉपी आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए 6 कॉपी और इस पर सेव कर देंगे।
बहुत ही आसान है, आप लोग एक बार इसको यूज कीजिए, बहुत ही जल्दी फोटो बनता है और इसके बाद फिनिश। आप चाहें तो इसको अब आप प्रिंटर से प्रिंट भी करा सकते हैं किसी भी दुकान पे। तो अगर आप आपके पास प्रिंटर है तो मैं इस पे दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।